मैं आज आपके लाई हूँ सिंपल सी इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी, कलाकंद। कलाकंद एक एडिक्शन है, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। मैं शिल्पा जायसवाल, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बनाएंगे कलाकंद। तो पहले लेंगे हम पनीर, उसे पाम से अच्छे से स्मैश कर देंगे। पनीर अच्छे से स्मैश हो गया है, इस पानी को हम फेंक देंगे। इस मिल्क मेक रेसिपी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पैन में पहले डालेंगे हम दूध और उसी में ही डालेंगे स्मैश किया हुआ पनीर। इसे हम स्लो गैस पर 10 से 15 मिनट पका लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। कहते हैं कि अलवर की एक राजस्थान की मिठाई है कलाकंद, और उस ज़माने में ये एक एक्सीडेंट था। जो भाई साहब दूध गर्म कर रहे थे, उसे वो फट गया, तो उन्होंने उस दूध को पकाते रहे और फिर चीनी डालकर भी पकाते रहे। फिर उसे गर्मा गर्म एक कटोरे में निकाल लिया, गर्म रखा था तो वो अपनी हीट से अंदर से ब्राउन हो गया। लोगों ने उसे खा के पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, ये कला है। तो जब से उसका नाम लिया कलाकंद। दूध थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, हमें दूध पूरा भी रिड्यूस नहीं करना है। दूध रखने के दो कारण हैं, पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा और मिठाई में थोड़ा सा जूसीनेस होगा। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद गैस की फ्लेम फुल ही रखे और उसे चलाते रहे अच्छे से। कंडेंस मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है तो हम उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे। घी से रिचनेस और बाइंडिंग आएंगी। तो कंडेंस मिल्क भी धीरे धीरे रिड्यूस करना है, हमें पूरा नहीं रिड्यूस करना है। आप देख सकते हैं हमारा कलाकंद किस तरह रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, हमारा कलाकंद रेडी है। इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। अब इसे एक टिन में निकाल कर सेट होने के लिए रख देंगे।
काजू बादाम से हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट। अब ये सेट हो गया है, इसे हम कट कर लेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।